पिछले चार दशकों में बीयर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। बादलों को छूती बर्फ से लदी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसकी गोद में छिपे हैं रहस्यमय जंगल। ये ठिकाना है एक ऐसे जीव का जो आज भी दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं। हिमालय की तलहटी में मिलने वाले फायर कैट यानी रेड पांडा की खोज में हमारा मुकाम है पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम। ये छोटा सा खूबसूरत राज्य तीन देशों से घिरा है। 1975 से पहले का ये शांत बौद्ध देश भारत में विलय के बाद बड़ी तेजी से बदला है। राजधानी गंगटोक बताती है कि संस्कृतियों के मेल और शहरी फैलाव का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। नई नई पहाड़ियां और घाटियां शहरीकरण के दायरे में आ रही हैं। इस सब के बावजूद प्रकृति इस क्षेत्र पर खासी मेहरबान है। शांत खुशगवार मौसम वाला सिक्किम सैलानियों को खूब रास आता रहा है। सिक्किम में पाए जाने वाले पांडा को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। इस दुर्लभ जीव और इसके प्राकृतिक आवास को करीब से समझने के लिए हम यहां आए हैं। ऊंचे शिखर, तीखे ढलानों वाली गहरी घाटियां, 7300 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां मिलती हैं। इस ठंडे नम प्रदेश में करीब 4000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। फर्न और काई के मखमली कालीन से ढके जंगल और जमीन, उमस और ठंड के इस अद्भुत मेल के बीच प्रकृति ने अनोखा जादू रचा है। फूलों को प्यार करने वालों के लिए सिक्किम जन्नत है। अलग अलग रंग आकार के ऑर्किड और विभिन्न प्रजातियों के बुरांश सिक्किम की शान है। हाल के कुछ वर्षों में सिक्किम ऑर्किड की खेती और निर्यात के अहम केंद्र के रूप में उभरा है। यहां बुरांश की 20 से ज्यादा किस्में मिलती हैं। इस संपदा को बचाए रखने के लिए एक सेंचुरी बनाई गई है। इन खूबसूरत जादुई जंगलों में सदियों से इस रहस्यमय जीव का बसेरा रहा है। 18वीं सदी की शुरुआत तक ये जानवर दुनिया की नजरों के सामने नहीं आया था। 1821 में
अंग्रेज जीव विज्ञानी मेजर जनरल थॉमस हार्डविक जानवरों की नई नस्लों की खोज में लगे थे, इसी दौरान उन्हें कोलकाता से एक अनोखे जानवर की खाल मिली। बिल्ली और भालू से मिलता जुलता ये जीव अनोखा था। थॉमस हार्डविक गहराई से इस जीव की पड़ताल में लग गए। खाल, बाल, पंजे, दांत, वे कोई भी पहलू छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसे वाह नाम दिया और लंदन में इस पर शोध पत्र भी लिखा। इसी दौरान फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक फ्रेडरिक कुवियर इस जानवर की तलाश में हिमालय की तलहटी के जंगल छान रहे थे। कोहरे में डूबे जंगलों में ये तलाश आसान नहीं थी। उठे सर, पांडा सर। आखिरकार एक रोज उन्हें कामयाबी मिली। पेड़ों के ऊपर आग जैसा गोला। फ्रेडरिक ने इसे नाम दिया फायर कलर्ड कैट। उन्हें चौपायों में यह सबसे सुंदर जीव लगा। जनरल थॉमस अपनी शोध को अभी रूप दे ही रहे थे कि कुवियर ने दावा पेश कर दिया। इस नई प्रजाति को नाम दिया गया अलरूस फलंजस फलंजस एफ कुविया, यानी लाल पांडा। इन जंगलों में हमारी टीम को आज इसी शर्मीले लाल पांडा की तलाश है। इसे ढूंढ पाना न तब आसान था न अब है। इसकी खोज में हम यहां पहले भी आ चुके हैं। घना बीहड़ जंगल, कीचड़, फिसलन, तेंदुओं और भालुओं का खतरा और खून चूसने वाली जोंकें। पांडा को ढूंढने के लिए क्षण भर रुके नहीं कि जोंकों का हमला शुरू। इस धुआंधार बारिश में हमें अपने कैमरों की भी चिंता है। ये इतनी नमी में काम करना ही बंद कर देते हैं। स्थानीय संपर्क और हमारा तजुर्बा आखिर काम आया। कभी कभी इन घने जंगलों में महीनों घूमने पर एक भी पांडा नजर नहीं आता। आज किस्मत अच्छी है, ये माँ और उसका बच्चा लगते हैं। पांडा ऐसे मौसम और माहौल में विकसित हुए हैं। इनका गर्म फर इस बरसात से बेअसर है। कितनी ही बारिश हो, इसकी कोई फिक्र नहीं। ये सुबह शाम ही सक्रिय होते हैं। ज्यादातर वक्त ये पेड़ों पर ही गुजारते हैं। केवल खाने और जोड़ा बनाने के लिए ये नीचे उतरते हैं। बांसों से ढकी पहाड़ी ढलाने और घाटियां पांडा के प्राकृतिक आवास हैं। बांस के नरम पत्ते और कोंपले इसका मुख्य आहार हैं। मौसमी फल, मशरूम, चिड़ियों के अंडे बच्चे और कीड़े मकौड़े भी ये खा लेता है। दरअसल पांडा की शारीरिक रचना मांसाहारी जीव जैसी है, इसलिए बांस के तंतुमय रेशों को पूरी तरह नहीं पचा पाता। पत्तों से इसे भरपूर पोषक तत्व नहीं मिल पाते। बारह तेरह घंटे पेट भरने में गुजारते हैं, बाकी समय ऊंचे पेड़ों की सुरक्षा में सोते हैं। आमतौर पर अकेला रहने वाला ये खूबसूरत जीव मात्र 4 किलोग्राम का होता है। मॉस से ढके पेड़ों पर चढ़ने उतरने में ये माहिर है। तेज पंजे और लंबी पूंछ इसमें सहायक होते हैं।
रोशनी कम हो रही है और बारिश तेज, लेकिन हमारे दिमाग में तो बेलूनिंग ही घूम रही है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े उड़ान के प्रतिबंध और यहां की भौगोलिक परिस्थितियां बेलूनिंग की इजाजत नहीं देती, लेकिन यहां तक आकर हम यूं ही नहीं लौट सकते। नियंत्रित उड़ान विकल्प है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रक्रिया लंबी और खर्चीली है। स्थानीय अधिकारियों से विचार विमर्श करके हम उड़ान की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए। तैयारी शुरू। हमने इस प्राकृतिक सौंदर्य को गरुड़ की निगाह से कैमरे में कैद करने के लिए हेलीकॉप्टर के नीचे एक छोटा कैमरा लगा दिया। इसका कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। आज हमें तेज हवा की ज्यादा फिक्र नहीं। फोटोग्राफी में सहूलियत के लिए हेलीकॉप्टर के दरवाजे निकलवा दिए गए। Because we cannot do the ballooning here, so we thought we take help from you. हमने सीनियर पायलट को अपनी जरूरत बताई। उन्होंने पूरी मदद का भरोसा दिलाया। Yeah, basically, if we can get a different perspective of the habitat. हम पांडा के इलाके को आसमान से देखना चाहते हैं। पायलट ने अपनी तसल्ली की। बलूनिंग इस मामले में अच्छी है, इतना शोर और कंपन तो नहीं होता। आसमान से नजर आता है कि गंगटोक का फैलाव किस हद तक हो रहा है। अब हमने प्राचीन रूमतेक मॉनेस्ट्री के ऊपर से पश्चिम में सिंह लीला रेंज का रुख किया। कंचनजंगा का ये इलाका अनेक पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यहां के लोगों के लिए कंचनजंगा देवी का रूप है जो शांति और समृद्धि देने वाली है। अब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यहां पर 20 किलो वजनी कैमरे के साथ बाहर झांकते हुए फोटोग्राफी आसान नहीं है। हवा के थपेड़ों और हेलीकॉप्टर की जबरदस्त थरथराहट के बीच जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। पांडा 6,000 से 13,000 फुट की ऊंचाई वाले ऐसे ही जंगलों में मिलते हैं। हम इनके इलाके में हैं। पेड़ एक दूसरे से जैसे गुथे पड़े हैं। घने उमस भरे अंधेरे जंगलों में इस छोटे से जानवर की तलाश आसान हो भी नहीं सकती। यही वजह है कि सदियों तक लाल पांडा दुनिया भर के लोगों से बचा रहा है। पांडा नेपाल, भूटान और भारत के गिने चुने इलाकों में मिलता है। साथ लगते पश्चिमी बंगाल के जंगलों में भी ये मिलते हैं। कभी अंग्रेजी हुकूमत की ग्रीष्म राजधानी रही दार्जिलिंग के आसपास भी पांडा देखे जा सकते थे।
सीधे सादे ये पांडा आसानी से पकड़ लिए जाते थे और शौकीन लोगों के घरों की शान बढ़ाते थे। उस समय दार्जिलिंग इनके व्यापार का केंद्र सा बन गया था। अब बात कुछ और है। आज यहां का पद्मजा नायडू जियोलॉजिकल पार्क इसके प्रजनन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1958 में बने 44 हेक्टेयर में फैले इस चिड़ियाघर में पांडा को अपने प्राकृतिक आवास जैसा माहौल मिलता है। हर साल यहां 3 लाख के करीब लोग आते हैं और चिड़ियाघर का मुख्य आकर्षण पांडा ही है। ये एक संरक्षित प्रजाति है जिसे जंगल से पकड़ना, पालना या मारना गैर कानूनी है। In the evening, they go down to the ground and search for... यहां तक कि इन्हें चिड़ियाघरों के लिए भी नहीं पकड़ा जा सकता। प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए कुछ पांडों को यूरोपीय देशों से लाया गया है। इनके खाने का यहां खास ख्याल रखा जाता है। ताजे फल, ब्रेड, अंडा, दूध, चीनी आदि पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार दिया जाता है। और पपीता 200 ग्राम एक पांडा के लिए हम लोग एक अंडा देता है, तो इसमें हम बाल्टी में डाल देता है, जहाँ अंडा दिया उसके पास डाल देता है। हाफ लीटर दूध देता है। ये एक पांडा का खाना हो गया। इसके अलावा इन्हें ताजे बांस भी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर का काम सिर्फ पांडा प्रजनन तक ही सीमित नहीं है। यहां के अधिकारी पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता के जरिए इस दुर्लभ जीव के बारे में जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। पांडा का नाम आते ही चीन के काले सफेद पांडा की तस्वीर उभरती है। हैरानी की बात है कि लोग अपने ही देश के इस खूबसूरत जीव लाल पांडा को नहीं जानते। पांडा के वर्गीकरण को लेकर जंतु वैज्ञानिकों में काफी मतभेद रहे हैं। एक समय इसे भालू और बड़े पांडा के समीप माना जाता था। हाल ही में डीएनए अध्ययन के आधार पर इसे रकून के ज्यादा निकट पाया गया है। पांडा की कुछ आदतें बिल्ली परिवार से भी मेल खाती हैं। शोर शराबे या किसी और वजह से मादा अगर घर बदलती है तो बच्चे को बिल्ली की तरह मुंह में उठा लेती है। ये तरीका बच्चे के लिए सुरक्षित है। आज अधिकारी कुछ दुविधा में हैं। मां अपने बच्चे की ठीक से देखरेख नहीं कर रही। बच्चे को निकालना ही एक विकल्प है। केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से चलाए जा रहे इस प्रजनन केंद्र को अच्छी कामयाबी मिली। जंगल की अपेक्षा यहां मृत्यु दर में कमी आई है। इस चिड़ियाघर में 1994 से अब तक 30 से ज्यादा बच्चे जन्म ले चुके हैं। ठीक है, 280 ग्राम 278 मान लीजिए। प्राकृतिक आवास में पांडा एक या दो बच्चों को जन्म देती है। 6 से 8 माह तक बच्चे मां के साथ रहते हैं। पद्मजा नायडू चिड़ियाघर में पाली पोसी दो मादा पांडा रेडियो कॉलर लगाकर पास के सिंहलीला नेशनल पार्क में छोड़ी गईं। ये दुनिया में अपने किस्म का पहला प्रयोग था।
इन पर लगातार नजर रखी गई। ये देखना महत्वपूर्ण था कि चिड़ियाघर में पले पांडा जंगल की चुनौतियों का कितना मुकाबला कर सकते हैं। नतीजे उत्साहवर्धक थे। मादाओं ने भरपूर बांस वाले क्षेत्रों में अपने अलग अलग इलाके चुन लिए। एक मादा किसी का शिकार हो गई, दूसरी ने एक जंगली नर के साथ जोड़ा बनाकर एक बच्चे को भी जन्म दिया। इस प्रजनन अभियान की ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। पांडा को बचाना है तो उसके प्राकृतिक आवासों को भी पूर्ण संरक्षण देना होगा। इसके मुख्य भोजन बांस को बचाए रखने के लिए हर संभव उपाय जरूरी हैं। वन विभाग के लिए इतनी लंबी खुली सीमा की हर समय चौकसी करना मुश्किल काम है। सिंहलीला नेशनल पार्क नेपाल की सीमा से सटा है। केवल एक कच्चा रास्ता यहां दोनों देशों को अलग करता है। नेपाल की तरफ पड़ने वाले इलाके से जंगल एकदम साफ हो चुके हैं। उजाड़, सुनसान, नंगा पहाड़। कुछ साल पहले तक ये भी पांडा का आवास था। वे आजादी से दोनों ओर आते जाते थे। पांडा पर टूटे इस इंसानी कहर का जायजा हमने आसमान से लेने का फैसला किया। वह चौंका देने वाला है। मनुष्य का लालच सभी सीमाएं लांघ कर हिमालय को तबाह कर रहा है। जंगल, खेत और बागानों की बलि चढ़ रही है। जंगलों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि पांडा के साथ साथ हमारी अनमोल संपदा भी मिटती जा रही है, जिसके दूरगामी असर होंगे। समय निकला जा रहा है। इस खूबसूरत भोले भाले फरिश्ते जैसे पांडे को बचाने के लिए नेपाल, भूटान और भारत की सरकारों का आपसी सहयोग बहुत जरूरी है।